अपनों के आंसुओं में वो आँच होती है जो पत्थर को भी पिघला दे। फिर तुम्हारे पापा का दिल तो मोम सा है, 2 मिनट में पिघल जाएगा। मुझे माफ कर दीजिए काका साहब, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने जो कुछ भी किया मुझे नहीं करना चाहिए था। आज से इस घर में आरती तुम करोगी। आरती तो ले लो। आरती के इस दिए के साथ तुम्हारी और तुम्हारे परिवार के जीवन की रोशनी पर भी मेरा अधिकार हो गया है सलोनी। वो दिन दूर नहीं जब तुम सबकी जिंदगी को अंधेरों में डुबो दूंगी। बाबू, मैंने सिर्फ आरती की थाली कलिका के हाथ में दी। जो इस घर का हिस्सा है, अधिकार है उसका ये। इसमें इतने परेशान होने की क्या बात है? परेशानी इस बात की नहीं है तारा कि तुमने आरती की थाली कलिका को दी। परेशानी ये है बेटी, जिस तरह से तुमने थाली छीनी ना, सलोनी को दुख हुआ होगा। अगर तुम्हें सलोनी की किसी बात से तकलीफ है तो भी इसका ये मतलब नहीं बेटी कि उसकी भावनाओं को इस तरह ठेस पहुंचा। माँ बनने वाली है वो, और यूं भी बड़ों को छोटों की छोटी मोटी गलतियां माफ कर देनी चाहिए। छोटी मोटी गलती होती ना भाबो तो मैं माफ भी कर देती, लेकिन सलोनी की इस गलती की वजह से आपका बेटा और मेरा पति सलाखों के पीछे जाने कितने दिन रहता। अगर कलिका अपनी जान जोखिम में नहीं डालती तो हर खुशी में मुझे गले लगाने के बजाय वो आपके पैर छूते हैं। उसी ब्रजेश को बचाया कलिका ने, कितना कुछ किया है कलिका ने हमारे लिए। मैं मानती हूँ कलिका ने अगर हमारी मदद ना की होती ना तो इस समय हम बहुत बड़ी मुसीबत में होते। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ बेटी कि सलोनी को दुख देकर तुम ठीक नहीं कर रही हो। आपसी तनाव की वजह से घर की शांति इस तरह भंग करने का अधिकार किसी को नहीं है तारा। सलोनी की हर बात को तुम एक ही चश्मे से मत देखो, गलत है वो। तो मैं आपसे एक सवाल करती हूँ भाभी, क्या सलोनी कोई देवी है कि वो कोई गलती कर ही नहीं सकती? और अगर वो गलती करे तो मुस्कुरा के सब भूल जाते? मेरा मुद्दा ये है, सलोनी हमेशा सही रहती है, मैं हमेशा गलत रहती हूँ। मैं कुछ भी कहती हूँ तो गलत। तारा, मुझे तुमसे बात करनी है। बाद में ब्रजेश, मैं अद्विति को लॉन में घुमाने ले जा रही हूँ। सलोनी, मेरा रास्ता छोड़ो। भाभी साहब, मैं सिर्फ इतना कहना और मैं इतना कहना चाहती हूँ कि मुझे तुम्हारी बातें नहीं सुननी है। भाभी साहब प्लीज, ऐसा मत कीजिए। आपने हमेशा मुझे बड़ी बहन का प्यार दिया है, परेशानी में मुझे सहारा दिया है। हमारा ये परिवार, सबका ये अपनापन ही मेरी शक्ति है। अगर ये मुझसे छीन लिया जाए तो उसी का तो तुम फायदा उठाती है सलोनी। तुम्हें लगता है कि तुम जो इशारा करोगी घर के लोग आंखें बंद करके नाचेंगे, तुम जो कहोगी हम वही करेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा सलोनी। अब मैं तुम्हें अपनी मर्जी से इस घर की हवा बहाने नहीं दूंगी, खासकर उन मामलों में जो मेरे पति से ताल्लुक रखते हैं। भाभी साहब, मैं बस सलोनी, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, प्लीज। सलोनी, यह तो महज शुरुआत है तुम्हारे आंसुओं की। अब जब तक तुम अपनी आंखों को संभालो,
मैं कुछ मुश्किलें तुम्हारे भाई की जिंदगी में भी खड़ी करके आती हूँ। ये मिसेस चौहान का ही घर है ना? जी नहीं, यहाँ कोई मिसेस चौहान नहीं रहती, ये मेरा घर है। लगता है मैं गलत एड्रेस पर आ गई हूँ। I'm really sorry। कोई बात नहीं। वैसे एक ग्लास पानी मिल सकता है? माफ कीजिए, मैं तो बिल्कुल ही भूल गई। आप अंदर आइए ना, आराम से बैठकर पानी पीजिए। आइए आइए ना, आप बैठिए ना, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। समर चलिए, डिनर तैयार है। मैं जरा फ्रेश होके आता हूँ, उसके बाद डिनर करते हैं। ये समर इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? कौन है ये? जो भी है, वक्त आ गया समर को रंगे हाथों पकड़ने का। ये लीजिए। शुक्रिया। ये किसकी तस्वीर है? आप कुछ गलत मत समझिए, ये मेरे पति या प्रेमी नहीं है। ये तो वो हैं जिनकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ, पूजा करती हूँ मैं इनकी। आपने मीरा का नाम तो सुना होगा ना? हमारा रिश्ता कुछ वैसा ही है, साफ। एक मिनट। के नजदीक जाने से बाबूसों को कुछ और बुरा लग जाए। ओ तारा, जब तुझे पता है कि सलोनी ही इसे चुप करा सकती है, तो यहाँ खड़ी क्यों है तू? रोते रोते परेशान हो रहा है बच्चा, जाके देख क्यों नहीं देती सलोनी को? पता है मुझे,
अद्वितीय नहीं बाबा। राम सिंह जी हुकुम, इसे सलोनी को दे दो प्लीज। चुप हो जा मेरा अच्छा बच्चा, देखो कैसे चुप हो गया। क्या देखकर हैरान हो कलिका? यही ना कि तारा ने सलोनी से नाराज होते हुए भी बच्चा उसे कैसे सौंप दिया। यही इस घर की विशेषता, इस घर की शक्ति है। कोई किसी के लिए दिल में कड़वाहट नहीं रखता। और बात जब बच्चे की हो तो दूरियों की परवाह और भी कम हो जाती है। ये बच्चा हमारी सलोनी और तारा के बीच की सबसे नाजुक लेकिन उतनी ही मजबूत कड़ी है, और हर तूफान में यही कड़ी इन दोनों को जोड़े रख सकती है। कावेरी, मैं निकिता को अम्यूजमेंट पार्क लेके जाता हूँ, वहीं से डायरेक्टली ऑफिस से ले जाऊँ और ड्राइवर के हाथों भिजवाता हूँ। ओके, आप अपना ध्यान रखें। ओके, बाय।
I'm sorry. It's okay. इन फूलों से भी ज्यादा खूबसूरत मेरी बीवी के लिए एक छोटा सा तोहफा। ये लो। आपको नहीं लगता कि आप ज्यादा रोमांटिक हो रहे हैं? अब क्या किया जाए, जब बीवी इतनी खूबसूरत हो तो मियां काबू में कैसे रह सके। दरअसल डॉक्टर साहब मिल गए थे, वो कह रहे थे जब बीवी प्रेग्नेंट होती है ना तो उसे बहुत खुश रखना चाहिए, इससे तुम्हारी तबीयत भी ठीक रहेगी और हमारे आने वाली बच्ची भी हंसती खेलती इस दुनिया में आएगी। ओ कावरी, आई लव यू सो मच। मेरी जिंदगी हसीन बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मैं फ्रेश होके आता हूँ। ओके। अरे हाँ, वो ड्राइवर निकिता को सही टाइम पर छोड़ गया था ना? जी। अरे क्या बताऊं, अम्यूजमेंट पार्क में इतना रश था ना, ऐसा लग रहा था कि टूरिस्ट आ गए। अच्छा मैं आता हूं। क्यों इतनी पागल हो गई मैं जो अपने समर पर शक कर बैठी? माफी चाहती हूं तुमसे समर, जो मैंने तुम्हारे प्यार पर शक किया। हो सकता है मैंने जिसे रेस्टोरेंट में देखा हो वो कोई और हो। मेरा समर मुझे इतना चाहता है कि मेरे अलावा किसी और की तरफ देख भी नहीं सकता, लेकिन फिर वो ऐसे में। हेलो। हेलो मैडम, मैं हार्ड रॉक रेस्टोरेंट से बोल रहा हूँ। दरअसल मुझे समर साहब को एक मैसेज देना था। जिन लेडी के साथ में वो आज हमारे रेस्टोरेंट में आए थे, शायद उनकी चाबी यहाँ पर रह गई, तो प्लीज उनसे कह दीजिएगा कि अपनी चाबियाँ यहाँ से कलेक्ट करवा दें। अब क्या होगा जब वो चाबियां मांगने आएंगे? तो आप उसकी फिक्र मत कीजिए, जिनसे आपने अभी अभी बात की है वो आपसे कुछ भी मांगने की हालत में नहीं होंगे। थैंक यू। वेलकम।